मेरी इस व्लॉग में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरे चैनल के नाम की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। मैं आपको अब आज की व्लॉग में बताऊंगी कि आप अपना फ़ोन चार्ज कैसे कर सकते हैं जल्द से जल्द, ताकि आपका फ़ोन फौरन से चार्ज हो जाएगा, वो ट्रिक बताऊंगी। और बिना कॉपीराइट क्लाइम के वाली पिक्चर्स आप कैसे ले सकते हैं गूगल से, मैं वो भी बताऊँगी। और कुछ मेकअप टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग जैसे अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं जल्दी में, ताकि जब आप जल्दी में होते हैं तो आप अपना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फ़ोन चार्ज हो जाए, लेकिन आपका फ़ोन 2 आवर्स के बाद भी सही से चार्ज नहीं होता। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप अपना फ़ोन फास्ट चार्ज कर सकते हैं। चलें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पावर सेविंग, आप पावर सेविंग को दबा दें, क्लिक करें और फिर साइड से फ्लाइट मोड लिखा है, फ्लाइट मोड पर कर दें और फिर आप अपना फ़ोन चार्ज कर लें और फिर देखें कि ये कितने फास्ट चार्ज होता है। मैंने खुद ये ट्राई किया है और ये आप, मैं गारंटी देती हूँ कि आप अगर ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको भी फ़ायदा होगा, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। और मुझे जो है पाक मॉम इन आयरलैंड की तरफ से एक लगता है कमेंट भी आया है, चलें मैं इस ब्लॉग के बाद ज़रूर देखूंगी। आप जैसे आप चाहते होंगे, अगर आप यूट्यूबर हैं, न्यू यूट्यूबर हैं मेरी तरह, तो आप चाहते होंगे कि आप ये गूगल से पिक्चर्स लें और फिर उसको आप एडिट कर लें, तो और लेकिन आपको ये तो पता होगा कि दूसरों की किसी भी चीज़ से कोई भी फ़ोटो या वीडियो लेने से आपको कॉपीराइट क्लाइम आ सकता है, तो उसके लिए भी आप सोचेंगे कि आप गूगल से तो नहीं लें तो फिर और कहाँ से लें। तो मैं आपको बताती हूँ, गूगल में एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आपको ऐसी पिक्चर्स मिल सकती हैं जहाँ आप रीयूज़ हो सकती हैं, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आप फूड चैनल मैंने लिखा है। अब यहाँ पे इमेजेस पे जाएं, इमेजेस पर जाने के बाद अब ये जो पिक्चर्स आ गई हैं इतनी अच्छी अच्छी, अब आप चाह तो रहे होंगे कि आप इसे अपने थंबनेल में लगाएं या यूज़ करें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस पर आपको कॉपीराइट क्लाइम आएगा। आप यहाँ पे इधर इसको इधर इस तरफ जाएं और यहाँ पे वो लिखा है लेबल्ड फॉर रीयूज़, इस पर क्लिक करें। मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है। ये आ गई वो पिक्चर्स, इसको आप अपने यूज़ कर सकते हैं, इस पर कॉपीराइट क्लाइम भी नहीं आएगा और आप अपने थंबनेल में डाल सकते हैं या कुकिंग चैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये लिप ग्लॉस लगाती हूँ और ये लिप ग्लॉस काफ़ी अच्छा है, आप रोज़ लगाएं तो आपके जो लिप्स हैं वो अच्छे रहेंगे। और ये पिंक ये वेलवेट लिपस्टिक्स में मेरी फेवरेट है, ये जो लोग सऊदीया में रहते हैं वो पता होगा उनको ये कि मेकियाजी यहाँ का बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसकी जितना भी कॉस्मेटिक्स होता है वो सब बहुत अच्छा होता है और मैं वहीं से लेती हूँ अपना सब कुछ सारा मेकअप। और ये वाइट पेंसिल काफ़ी अच्छी होती है, आप आइस के नीचे लगा लें तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। और ये नेल पॉलिश, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, जैसे ये जो नेल पॉलिश कलर है ये बहुत ही मेरा फेवरेट है, काफ़ी अच्छा है। और इसके अगर आपको जैसे मैट चाहिए तो आप इस पर ये कोटिंग कर सकते हैं, ये मैट के लिए काफ़ी अच्छी होती है जिसमें कोई भी नेल पॉलिश हो। ये फुल परफ्यूम मैंने मदीना से ली थी, ये काफ़ी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये मेरी फेवरेट है, मैं हमेशा यही लेती हूँ और इसकी खुशबू काफ़ी बहुत ही इसे रेयर लगती है, काफ़ी इन्हें ऐसे लगता है आप फूलों के बाल पर आ गए, काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने काफ़ी दिन बाद सोचा कि मैं हमेशा मोबाइल से व्लॉग बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा अपने कैमरे से व्लॉग बनाऊँ और इसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी है पर एडिट करने में इसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन से बनाती हूँ। पर आज मैंने सोचा चलें थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए, क्या पता ये व्लॉग आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगे। और आज की व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करते रहेंगे तो मैं इसी तरह
व्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो थम्स अप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।